ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਬਲਬੇੜਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਬੈਕਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਤੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਦਾਮ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗੇ और एप्रिसिएशन भी अच्छी लगेगी। आप बताओ, अगर आप अच्छा सूट पहनो और आपको कोई ना कहे अच्छा सूट है तो आपको अच्छा लगता है मैम? ऐसे ही बच्चों के साथ भी यही है ना। मैं भी चाहूँगी अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हमारे मेन मतलब जो सारा दिन उनके साथ रहते हुए हमारे टीचर्स, वो उनको अप्रिशिएट करें। तो मैं और मेरे टीचर्स करते हैं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटी छोटी बातों में उनको उनकी खुशी दें जो वो डिजर्व करते हैं। बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स आपके काम करेंगे। बड़े बड़े साइकिल लेके देना या कंप्यूटर लेके देना, बिल्कुल लेके दीजिए, हक बनता है उनका, पर छोटे छोटे एफर्ट्स करिए। IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर किरण गर्ग। गुड आफ्टरनून मैम। नाउ ये सब मैं समझाऊंगी ये कैसे यूज होता है। पहले हम क्विज स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? ओके, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट सम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सेवन ईयर्स। ओके, सिक्स। Okay. Now I dictate the sums. Okay. The first team, we are start for second class. Second for team A. This is the third class. Third class is this. This is a team B. And fourth class is team C. Okay. Now first turn is Navkirat. Navkirat is in the second class. Your sum is 40, add 50, less 60. Add 10, less 30, add 60, less 20, add 40, less 30, less 10. Answer is 5. Now next sum is 60, add 30, less 20, add 10, again add 10. Students solve kar pa rahe hain. ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਟਰਨ ਫੋਰ ਟੀਮ ਬੀ। ਓਕੇ, ਟੀਮ ਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਮ ਇਜ਼ 3, ਐਟ 5, ਲੈਸ 6, ਐਟ 2, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
Next sum is, next sum for Banjot. Banjot, your sum is? Okay, now next is, please. 0 is 10, right? Third 0 is 100. Okay, so this is a center rod. This is called unit rod. यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो नीचे कितनी बीड्स हैं आप लोगों को दिख रही है ना फोर तो दिस इज फोर वन टू थ्री फोर ठीक है जी अभी मैं इसी टू रॉड्स पे 99 तक क्लियर कर दूंगी हाउ सो दिस इज अ फोर दिस इज कॉल्ड फाइव ये वाली बीड को फाइव काउंट किया जाएगा तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके सो दिस इज नाइन नाइन Less 6. How to less 6? 5, 6. Answer is 3. 9 less 6 is 3. So answer apne aap aa gaya dekho. Theek hai ji. Answer is 3. Add 1, 4. Less 4, 0. Add 3, 3. Add 5, 8. This is the answer. इसीलिए बच्चे कैलकुलेटर से भी फास्ट सॉल्व कर लो. And this is the backers और ये हम पिछले 1 month से अपने बच्चों को करा रहे हैं ऑलरेडी स्कॉटिश सो नेक्स्ट रॉड इज टेंस रॉड जैसे ये वंस है तो ये टेंस ये हंड्रेड तो टेन मीन्स वन जीरो सो दिस इज वन जीरो टेन टू जीरो ट्वेंटी थ्री जीरो थर्टी फोर जीरो फोर्टी सो दिस इज फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी ये 90 कंप्लीट तो ये हो गया 99 तो 99 तक काउंटिंग हो गई अब 99 लेस 33 पेरेंट्स आंसर बताइए प्लीज वेरी गुड एट 12 कांग्रेचुलेशंस आई वुड लाइक टू कॉल नीता मैम ऑन द स्टेज मैम आइए प्लीज आप ही देंगे मैम तो नेक्स्ट टाइम कौन सी टीम जीतेगी टीम सी टीम सी टीम सी टीम सी नेक्स्ट टाइम कौन सी टीम जीतेगी ए एंड बी टीम बी टीम ए कौन सी टीम जीतेगी टीम ए गिफ्ट चाहिए तो जीतना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पढ़ोगे स्कॉटिश प्रॉमिस करो वेल डन Next request, Pulvinder sir. Thank you. Sir, stage clear करवा दीजिए please. Have you taken the picture? Picture ले लिया. तो parents से मेरी request है कि 25 January to 7 January हमने off किया है. 6 January, 7 January को reopen होगा school. और छोटे बच्चों के लिए 10 January को reopen होगा. जैसा हमने activity calendar में दिया हुआ है. तो जितना homework है उसको daily 2 pages कराएं, almonds खिलाएं और कोई भी confusion है homework में तो डायरेक्टली आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें लिख दीजिए आप टीचर विल रिप्लाई आई एम ऑल्सो देयर इन द ग्रुप कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो वी विल डेफिनेटली रिवर्ट यू इन दैट ग्रुप तो अभी इसके बाद छुट्टियों के बारे में मैंने बता दिया है फिर भी कोई मुझसे पर्सनली मिलना चाहता है तो आई एम सिटिंग हियर किस कोई भी डाउट है फीडबैक फॉर्म भर दिया सभी पेरेंट्स ने तो वो फीडबैक मैंने इसलिए लिया है आपसे कि जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी बातें आप चाहते हैं कि बच्चों के किंडरगार्टन पोर्शन में हम ऐड करें तो आई एम गोइंग टू डू इट इन दिस 2019 सेशन बाकी मैं एक बार पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ क्या वो स्कॉटिश से खुश है आवाज़ नहीं आई मुझे yes, ma'am. अभी भी नहीं आई yes, ma'am. अभी देखना मेरे बच्चे कैसे यस बोलेंगे कैन आर यू हैप्पी विद योर स्कूल यस
बनती है ना 1000% एनर्जी, यही फ़र्क है। तो इनकी एनर्जी अच्छे से चैनलाइज कीजिए, मैं भी कर रही हूँ, मैं आपके हरदम आपके साथ हूँ और आपका सपोर्ट चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ਬਲਬੇੜਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।